अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे हनी चिली पटेटो, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे और इन्हें इस तरीके से काटेंगे। सभी आलूओं को हमें इसी तरीके से काटना है और फिर इनको लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट करना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से सभी काट कर तैयार कर लेंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, थोड़ी सी रेड चिली ओरिगैनो पाउडर और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें इन सभी को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्रिस्पी फ्राई करना है। अभी फ्राई चुके हैं, अब हम शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज को लंबा लंबा कट कर लेंगे और लहसुन और हरी मिर्च को छोटी पीस में कट करके 1 चम्मच तेल में हल्का गोल्डन फ्राई कर लेंगे। फिर हम प्याज को भी डालकर हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे और फिर इसमें टमाटर डालेंगे, उसको भी अच्छे से मिलाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालकर सभी सब्जियों को हल्का फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच विनेगर डालेंगे और इसको भी अच्छे से चलाकर मिला लेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इसको भी अच्छे से चलाकर मिला लेंगे। फिर इसमें थोड़ी सी चिली सॉस, हरी चटनी, टमाटो सॉस डालकर इन सभी सब्जियों को अच्छे से चलाकर मिला लेंगे। फिर इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि अच्छे से मिल जाए। फिर थोड़ा सा पानी डालकर इस सब्जी को अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से शहद डालें, जितना मीठा आप रखना चाहते हैं। फिर इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें ये फ्राइज डालेंगे, हम सभी फ्राइज इसमें डाल देंगे थोड़े थोड़े करके और फिर इनको अच्छे से चलाकर मिला लेंगे। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तैयार है बनके हमारी क्रिस्पी हनी चिली पटेटो। अब हम इसके ऊपर से हरा धनिया गार्निश करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टैप द बेल आइकन।